आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की। 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12 करोड़। नए संसद भवन बनकर तैयार भी हो गई, नए संसद भवन का उद्घाटन भी जोरों शोरों से हुआ, लेकिन दूसरे तरफ की तस्वीर को हम क्या देखते हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो हुआ, लेकिन इस उद्घाटन में हमारे देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लाल किले से महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो दूसरे तरफ की तस्वीर को हम क्या देख रहे हैं कि सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि भैया महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसी संसद भवन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है। अगर हम देखें किसी महिला मंत्री, कोई नेता वहाँ पर मौजूद नहीं था, वहाँ पर बीजेपी की एक टीम थी, विपक्ष ने भी बायकॉट कर दिया था, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या नए संसद भवन बनाने की ज़रूरत थी क्या? अगर ज़रूरत नहीं थी तो सरकार ने जो पैसा लगा, देखिए सरकार ने जो पैसा लगाया वो लाख दो लाख का नहीं है, करोड़ों रुपए इस पर पैसा लगाया गया, और यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि जो करोड़ों रुपये सरकार ने नए संसद भवन में लगा दिया, अगर यही पैसा रोजगार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इन तमाम जगहों पर लगा दिया जाता तो दिक्कत क्या थी? इसमें दिक्कत नहीं थी। और इससे ये कहा जा रहा है कि संसद भवन बनाने में सरकार ने बड़ा घोटाला किया है। क्या कुछ कह रहे संजय सिंह, देखिए एक रिपोर्ट। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की। 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12 करोड़। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त की दिखाई दे रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि संसद भवन घोटाला जो हुआ है, अगर मोदी सरकार का उसमें बहुत बड़ा हाथ है तो फिर क्या माना जाए कि संसद भवन घोटाले में सरकार की संलिप्तता होना, यानी कि सीधे तौर पर सरकार बहुत बुरे तरीके से फंस रही है, और नए संसद भवन घोटाले में अगर सरकार फंस रही है तो जांच इसकी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।